मेरा नाम इमैनुअल जेम्स है, मैं मंगलपुरी एरिया में रहता हूँ। मेरी वाइफ का फ़ोन आता है कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचा तो मेरी बेटी स्टेशन पे मेरी बेटी को लिटा रखा था। इसके सर में एक्सीडेंट के बाद क्लॉट्स हो गए थे, फ्रैक्चर थे। पहली बार देखा तब तो ऐसा था जैसे वो है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब भी याद आता है तो रोना आ जाता है, लेकिन अब गुड है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सब डॉक्टरों को। सारी हेल्प हमारे दिल्ली सरकार से ही मिली, अगर शायद ये स्कीम ना चलाती तो शायद मेरी बेटी नहीं होती। भगवान ना करे ऐसा एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो। जो लोग एक्सीडेंट होने पे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं। कल अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो उसे नज़दीक के अस्पताल में ले जाना। चाहे वो कितना ही महंगा अस्पताल क्यों ना हो, पैसे की चिंता मत करना। उसके इलाज का सारा खर्च हम उठाएंगे, दिल्ली सरकार उठाएगी। हमें हर कीमत पे हर जान बचानी है और आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। आप भी किसी के लिए फरिश्ता बनना।